शक्ति टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे पास एक ये फिलिप्स की कंफर्ट 1000 ये रिपेयर होने के लिए आई हुई है। चलिए इसको देखते हैं किसमें क्या फॉल्ट है। मैंने इसको चेक किया है, ये बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रही है और बिल्कुल डेड कंडीशन में है। मैं इसको सीरीज़ में आपको चेक करके दिखा देता लेकिन मेरा सीरीज़ का बल्ब बहुत दूर लगा हुआ है, तो मैं आपको अपने मीटर से या कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करवाता हूँ। कैमरे की लाइट मैंने बंद कर दी है, आपको इसके अंदर ये लाइट नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये मेरे उसकी सीरीज लैंप की लाइट है और ये देखिए कोई भी रिस्पांस नहीं है, कोई लाइट नहीं चमक रही है, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। ये मैंने टेस्ट किया, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। इसके आगे हम मीटर से चेक करेंगे। सबसे पहले इसको, ये एक पेच लगा होता है यहाँ पे स्क्रू, इसको हम खोल लेते हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूँ इसके अंदर फॉल्ट क्या है। फ्रेंड्स, मैं वॉइस ओवर नहीं करता, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ लाइव आपके सामने बोलता रहता हूँ, तो बीच में काम भी करना है और बोलना भी है, तो कई बार ठीक से नहीं बोल पाता जैसे कि लोग एक्टिंग करके बोलते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सिर्फ काम की बात बताऊंगा, कोई फालतू बात नहीं होगी। यहाँ से इस प्रकार इसके लॉक होते हैं, इसके अंदर बड़े ध्यान से हमने ये लॉक खोल लेने हैं। ये देखिए इस तरह से बाहर आ जाएगी। ये देखिए उसके अंदर पूरी डस्ट है, ये इसकी वायर्स लगी हुई है यहाँ पे। इनको हम चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ये बीप की आवाज़ आ रही होगी, ये मेरा एक कंटिन्यूटी मीटर मैंने खुद बनाया है। इसके बारे में आप जानना चाहेंगे तो लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा, तो आप लिंक को देख के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो प्रेस को हम इस तरह से रख लेते हैं कि कैमरे की रेंज में भी आए और आपको भी समझ में आए। ये इसका हम प्लग पकड़ेंगे। सबसे पहले हम लीड चेक करेंगे। ये लीड हमने एक वायर ली, अब यहाँ लगाएंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब दूसरी साइड लगाएंगे हम, देखिए यहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। अब हम दूसरा इसका पॉइंट पकड़ लेते हैं, ये देखिए यहाँ बीप आ रही है, इसका मतलब ये वायर ठीक है, ब्लैक वाली। इस पर हल्की सी बीप है, तो इसको मैं निकाल के चेक करता हूँ क्योंकि उसकी एलिमेंट की भी कई बार आ जाती है। ये मैंने निकाल लिया इसको, देखिए कोई बीप नहीं है इस समय। ब्लैक को भी हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने लूज़ करके रखे हुए हैं पहले से ही, क्योंकि वीडियो के समय भी अगर लूज़ करेंगे तो बहुत समय लग जाता है और इनको ज़बरदस्ती नहीं निकालना है, इनमें जंग लगा होता है जब आप करेंगे। तो एक WD-40 केमिकल आता है, वो थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देंगे तो ये लूज़ पड़ जाते हैं। देखिए ये वायर हमने चेक कर ली, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब ये वायर हम चेक करेंगे, एक पॉइंट से नहीं है, ये ब्लैक वाली पे ये बार बार आगे आ जाता है। इसको थोड़ा मैं साइड पे कर देता हूँ। ये देखिए इस वायर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इस पे भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, फिर उसी को चेक किया। अब ये देखिए ब्लैक चेक करी, बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब मेरी ब्लैक वायर ठीक है। इस वायर में कहीं ब्रेकेज है, इसी वायर में कहीं ब्रेकेज है, उसको हम चेक करेंगे। अब अर्थ के भी तार चेक कर लेते हैं। अर्थ की भी तार नहीं बोल रही है, इसमें भी कहीं ब्रेकेज है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वायर को चेक करता हूँ और फिर आपको बता। देखिए इस तरह से थिम्बल के ऊपर थोड़ा सा स्क्रू लगा के धीरे धीरे बाहर निकालना है। ज़्यादा जोर लगाएंगे तो अंदर हमारा एलिमेंट ख़राब हो सकता है। लगता है मैं यहाँ पे WD-40 डालना भूल गया, तो पहले मैं उसी का इस्तेमाल करके इसको निकालता हूँ। फ्रेंड्स, इसको मैंने खोल लिया है, अब मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक कराता हूँ कि कौन सी वायर क्रेक इसके अंदर ब्रेक है। सबसे पहले हम अर्थ की तार ले लेते हैं, हालाँकि इसका कोई काम नहीं है, अर्थ की तार नहीं बोल रही। अब सेकंड नंबर पे हम ये लेते हैं,
देखिए ये दोनों पॉइंट पे नहीं बोली, और ये लास्ट में ये ब्लैक वायर है, यहाँ भी नहीं बोली, यहाँ भी नहीं। आपने ये साउंड सुनी होगी, साथ में मीटर के अंदर मेरे लाइट भी जलती है। ये देखिए, इसका मतलब ये ब्रेक है यहाँ से, और ये दोनों तार ब्रेक हैं हमारी। तो चलिए इसको बारी बारी चेक करते हैं, जहाँ से मुझे पॉइंट नज़र आया था। ये पास से देखिए, ये तार ब्रेक है, तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए ये वाली तार है, ये यहाँ से यहाँ ये नहीं बात कर रही, यहाँ ये शो कर रही है कि ये यहाँ से क्रैक है, यहाँ तक ये तार ठीक है, क्योंकि हमारी ब्लैक भी कंटिन्यूटी दे रही है, ब्लैक आगे तक ठीक है हमारी। फ्रेंड्स, इसको तार को मैंने काट के छील लिया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं फालतू की चीज़ें नहीं दिखाता, जो आप कर सकते हो वो क्या दिखाना। अब इसका कॉटन उतारते हुए, तार छीलते हुए दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसके ऊपर हम कॉटन के ऊपर यहाँ से हम टेप लगाएंगे। ये टेप इसलिए लगाते हैं कि कॉटन आगे से खुलती ना रहे बार बार। अब ये सील्ड हो गई है, चलिए इसको हम चेक करते हैं। ये हमारा मीटर है, एक एक करके तार पकड़ेंगे। ये प्लग है हमारा, ये देखिए ठीक है। अब ब्लैक वायर को ले लेते हैं, ये भी ठीक है। अब ये हमारी अर्थ की तार, उस समय मैंने आपको कहा था अर्थ की तार का काम नहीं है, अर्थ की तार का गर्म करने में काम नहीं है, लेकिन अर्थ की तार का बहुत इसमें महत्व होता है। ये अब हमारी वायर ठीक हो गई है, तो इसमें मैं थिम्बल लगा के आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने रेडी कर लिया है, ये लॉक मैंने जैसे निकाला था वैसे ही लगा दिया, थिम्बल मैं लगा चुका हूँ, अब इनको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा अर्थिंग का थिम्बल था, ये थिम्बल हमारा यहाँ जाएगा, थिम्बल मीन्स जो वायर हमारी लगी हुई है। अगर आपको वायर के कनेक्शन याद नहीं रहते तो इसका एक स्नैपशॉट, एक क्लिक करके अपने पास रख लो फोटो, और वहाँ से देख के आप फिर दोबारा इसकी वायर लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडिकेटर लाइट भी जलने शुरू हो गई है, और इसको मैंने हीटिंग पे लगा दिया है, तो एक थोड़ी सी ये गर्म हो गई होगी। इसको कपड़े को प्रेस करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना बेहतरीन इसको प्रेस कर दिया इसने, ये देखिए। अभी मेरे पास दूसरा कोई कपड़ा नहीं है जिसे मैं दिखाऊं आपको करके, ये देखिए धुआं उड़ता हुआ आप देख रहे होंगे इसके अंदर से। मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।